हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है हमारे पास, जो कि 22 जनवरी 2020 को यानी कि आज ही आया हुआ है, थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसमें हमारे GSTR 3B के जो ड्यू डेट्स हैं, इनमें बदलाव किए गए हैं, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम सबको पता ही है कि अभी GSTR 3B को फाइल करने में कितनी परेशानियाँ आ रही थी, OTP नहीं आ रहा था, बार बार लॉग आउट हो रहा था, या फिर और भी टेक्निकल ग्लीचेस थे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब डिपार्टमेंट ने बोला है कि GSTR 3B का अब एक ड्यू डेट नहीं होगा, अब जो है तीन तरह के ड्यू डेट होंगे। ठीक है, तो आइए इस पर बात करते हैं कि क्या और कैसे है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि अभी जितने भी हमारे रेगुलर टैक्सपेयर्स हैं, उन सब के लिए हमारे जो GSTR 3B का ड्यू डेट होता है, वो होता है अगले महीने की 20 तारीख। लेकिन अब से ये नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ये प्रेस रिलीज है, और नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें ये बताएंगे कि ये कब से लागू होगा। ज़्यादातर चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ से ही लागू हो जाएगा, मतलब कि अभी जब जनवरी का हम लोग 3B फाइल करने जाएंगे तब से ये लागू हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब से GSTR 3B के फाइलिंग के लिए तीन ड्यू डेट्स होंगी, सभी जो भी हमारे रेगुलर टैक्सपेयर्स हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, और तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग ड्यू डेट्स होगा। तो कौन से तीन कैटेगरी के लोग हैं, आइए देख लेते हैं, और उनके लिए क्या क्या ड्यू डेट्स हैं ये भी देख लेते हैं। तो अपने प्रेस रिलीज में ये सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर हिंदी में बना दिया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो ये इसको यहीं से देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपके लिए जो अभी का ड्यू डेट है वही ड्यू डेट रहेगा। मतलब कि जिन भी रेगुलर टैक्सपेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उनके लिए ड्यू डेट रहेगा अगले महीने की 20 तारीख तक, मतलब कि जैसा कि हम लोग आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन अब अगला ध्यान दीजिएगा, वैसे टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से नीचे है, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं कि एक कैटेगरी है जिनके लिए जो ड्यू डेट होगा वो होगा 22 तारीख अगले महीने की, और जो एक कैटेगरी है उसके लिए ड्यू डेट होगा अगले महीने की 24 तारीख। तो 22 तारीख वाले में कौन कौन से लोग आएंगे, आइए इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो भी लोग हैं जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है, उनके लिए ड्यू डेट होगा 22 तारीख अगले महीने की, ध्यान दीजिएगा। और वैसे लोग जो कि इन 22 राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज में हैं, उनके लिए जो ड्यू डेट होगा वो होगा अगले महीने की 24 तारीख। तो इनमें कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो क्रक्स क्या है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो आप किसी भी स्टेट में हैं, आपके लिए जो ड्यू डेट होगा वो होगा अगले महीने का 20 तारीख। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है और आप इन सारे स्टेट्स में हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन 15 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में हैं, तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो अगले महीने की 22 तारीख होगा। और अगर आप इन सारे यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट्स में हैं, तो आपके लिए ड्यू डेट होगा अगले महीने की 24 तारीख। तो अपना जो प्रेस रिलीज है और ये जो मैंने शीट बनाया है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।